नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पावर रन अड्डा पे। तो आज हम बात करने वाले हैं कि इनडायरेक्ट मेथड से हम बॉलर एफिशिएंसी कैसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक ना। तो डिटेल्स में समझेंगे इसके बारे में, तो बिना किसी देर के चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। करते हैं कि जो इनडायरेक्ट मेथड होता है बॉलर एफिशिएंसी निकालने का, जनरली दो मेथड पढ़े हमने, एक डायरेक्ट मेथड एक इनडायरेक्ट मेथड, ठीक है। तो डायरेक्ट मेथड थोड़ा इजी होता है, ओके, बट आपको डिटेल्स कैलकुलेशन करना है कि मतलब कहाँ पे किस पॉइंट पे कितना हीट लॉस हो रहा है, तो उसके लिए हमें कौन सा मेथड यूज करना पड़ता है, इनडायरेक्ट मेथड, ठीक है। तो हम जानते हैं कि देखिए, जो कोई भी मशीन हो या फिर कुछ भी हो, अगर हम उसमें जितना भी मतलब जो कुछ भी प्राइमरी फ्यूल है, अगर वो प्राइमरी फ्यूल दे रहा है तो वो 100% यूटिलाइज नहीं होगा, ठीक ना, उसमें से कुछ ना कुछ लॉस होना ही है। तो बॉयलर में भी हमारा यही होता है कि हम जितना फ्यूल देते हैं पूरा 100% यूटिलाइज नहीं होता, उसमें कहीं ना कहीं बहुत सारे स्टेज पे कुछ ना कुछ परसेंटेज का हीट लॉस होता है, ठीक ना। तो उसी हीट लॉस को हम कैलकुलेट करने के लिए क्या करते हैं, इनडायरेक्ट मेथड का यूज़ करते हैं, ठीक ना। तो अभी हम समझेंगे कि कौन कौन से मेजर हीट लॉस होते हैं बॉयलर में, ओके, कौन कौन से मेजर लॉसेस होते हैं हमारे मतलब बॉयलर में, ठीक ना। तो देखिए, पहला जो मेजर लॉस है हीट लॉस ड्यू टू ड्राई फ्लू गैस, ठीक ना, जो ड्राई फ्लू गैस है उसके कारण जो हमारा लॉस होता है वो एक होता है। दूसरा है हीट लॉस ड्यू टू इवेपोरेशन ऑफ वाटर फॉर्म ड्यू टू H2 प्रेजेंट इन फ्यूल, जो हमारा कोल होता है, ठीक ना, कोल में जो H2 प्रेजेंट होता है, ठीक ना, तो ये क्या होता है, ऑक्सीजन से मिलकर क्या बना देता है, H2O, ठीक ना। तो इस H2O को इवेपोरेट करने के लिए जो हमें हीट लगता है वो भी हमारा लॉस ही होता है, ठीक। नेक्स्ट है हमारा हीट लॉस ड्यू टू इवेपोरेशन ऑफ मॉइस्चर प्रेजेंट इन फ्यूल, जो जैसे कि आपको पता होगा जो हमारा फ्यूल होता है, फ्यूल में अगर कुछ मॉइस्चर है, उस मॉइस्चर को क्या करना, हमें इवेपोरेट करने के लिए हीट देना पड़ेगा, ठीक ना। जो हीट देंगे हम वो क्या करेगा, इवेपोरेट होकर स्टीम मतलब इवेपोरेशन होकर वो उड़ जाएगा, हीट वहाँ से निकल जाएगा, ठीक ना। तो उस मॉइस्चर को निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, हमें हीट देना पड़ता है, ठीक ना, तो वो भी हमारा एक लॉस ही है। नेक्स्ट है हीट लॉस ड्यू टू मॉइस्चर प्रेजेंट इन कंबस्चन एयर, तो देखिए जो कंबस्चन एयर हम देते हैं अगर उसमें भी थोड़ा बहुत मॉइस्चर प्रेजेंट है तो वो भी हीट लेगा बॉयलर से अपने मॉइस्चर को रिमूव करने के लिए, ठीक ना, तो वो भी हमारा लॉस है। और नेक्स्ट है हीट लॉस ड्यू टू अनबर्निंग फ्यूल एस, जो मतलब कि जो हमारा एस निकलता है तो कई बार ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा अनबर्न आता है, ठीक ना, एस में, तो वो भी एक हमारा लॉस ही है बॉयलर में। और नेक्स्ट है हमारा हीट लॉस ड्यू टू रेडिएशन एंड अनअकाउंटेड लॉस, ठीक ना, कुछ रेडिएशन से लॉस होता है, फिर कुछ ऐसे रहते हैं जो अनअकाउंटेड, जिनको हम काउंट नहीं कर सकते, उनको हम 1% कंसीडर कर लेते हैं, ठीक ना। और भी बहुत सारे लॉसेस होते हैं कुछ, लेकिन ये जो है 6, ये हमारे मेजर लॉसेस हैं, ठीक ना। तो अभी हम कैलकुलेशन करके देखेंगे कि एक एग्जाम्पल लेके देखेंगे कितना कितना हमारा लॉस होता है, ठीक ना, और किसमें सबसे इन 6 में से किसमें सबसे ज़्यादा लॉस होता है। तो देखिए, अगर जो हमें इनडायरेक्ट मेथड से बॉयलर की एफिशिएंसी निकालनी है ना, उसके लिए हमें एक तो जो हमारा फ्यूल है उसका अल्टीमेट एनालिसिस का रिपोर्ट चाहिए, दैट मींस कि हमें उसमें हाइड्रोजन कितना है, ऑक्सीजन कितना है, ठीक ना, और आपका कार्बन कितना है, सल्फर कितना है, और मॉइस्चर कितना है, और उस हमारे फ्यूल में एस कितना है, ओके। एंड उसके बाद आपको क्या चाहिए, फ्लू गैस एनालिसिस रिपोर्ट चाहिए, एस कितना निकल रहा है पर केजी ऑफ फ्यूल में, एस की जीसी भी क्या है, ओके, फ्लू गैस का टेम्परेचर कितना है बॉयलर एग्जिट पे, और एम्बिएंट टेम्परेचर कितना है, और आपका ह्यूमिडिटी रेशियो कितना है, और जीसीवी ऑफ कोल कितना है, ठीक ना। ये सारे पैरामीटर चाहिए आपको अगर इनडायरेक्ट मेथड से बॉयलर एफिशिएंसी निकालनी है तो, ठीक ना। तो ये एक एग्जाम्पल लिया हमने, तो इस एग्जाम्पल के थ्रू हम कैलकुलेशन करेंगे कि हमारा किस पॉइंट पे कितना लॉस हो रहा है, और देखेंगे कि किस में सबसे ज़्यादा लॉस होता है। तो देखते हैं कि कैसे हम इनडायरेक्ट एफिशिएंसी निकाल सकते हैं। तो इसके लिए हम सबसे पहले देखेंगे कि हमें थ्योरेटिकल ईयर कितना रिक्वायरमेंट है पर केजी ऑफ फ्यूल को बर्न करने के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम थ्योरेटिकल ईयर निकालेंगे, थ्योरेटिकल ईयर रिक्वायर्ड। तो थ्योरेटिकल ईयर का फॉर्मूला क्या होता है, 4.35 8/3c + 8H2O + sulfur, ओके, माइनस O2 अपॉन ये हो जाएगा आपका 100 kg per kg of fuel, ओके। क्या होता है फॉर्मूला हमारा थ्योरेटिकल ईयर के लिए, 4.35 8/3c + 8H2 + sulfur - O2 upon 100 kg per kg of fuel, ओके। तो ये तो है हमारा फॉर्मूला थ्योरेटिकल ईयर के लिए। अब इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे, देखते हैं 4.35 8/3c, कार्बन कितना है इसमें हमारा 38%, ठीक ना, 38 + 8H2, H2 कितना है यहाँ पे 2%,
प्लस सल्फर कितना है हमारा 1%, माइनस ऑक्सीजन कितना है 5%, और ये हमारा 100। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 4.95 केजी पर केजी ऑफ फ्यूल, ठीक ना। दैट मीन्स कि हमें कितना ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट है, 4.95 केजी, एक केजी फ्यूल को बर्न करने के लिए हमें कितना थ्योरेटिकल एयर की रिक्वायरमेंट होगी, ठीक ना। एक केजी फ्यूल को बर्न करने के लिए कितना थ्योरेटिकल एयर लगेगा, 4.95 केजी। ओके, अगला स्टेप है हमारे पास परसेंटेज ऑफ एक्सेस एयर निकालना है। परसेंटेज ऑफ एक्सेस एयर का फॉर्मूला क्या होता है, O2 into 100 upon 21 minus O2, कितना होता है O2 into 100 upon 21 minus O2, इससे हमारा क्या निकल जाएगा परसेंटेज ऑफ एक्सेस एयर। तो O2 कितना है हमारे पास यहाँ पे, 3 into 100 upon 21 minus 3, ये हो जाएगा हमारे पास 300 upon 18, तो सॉल्व करेंगे तो आएगा 16.67%। ओके, तो कितना में एक्सेस एयर रिक्वायरमेंट है, 16.67। ओके, तो नेक्स्ट प्रोसेस है हमारा, उसमें हम कैलकुलेट करेंगे एक्चुअल मास ऑफ एयर सप्लाइड पर केजी ऑफ फ्यूल, ठीक ना, कि मतलब हमने कितना एक्चुअल में पर केजी ऑफ फ्यूल बर्न करने के लिए एयर सप्लाई किया, उसको हम कैसे कैलकुलेट करते देखते हैं। एक्चुअल एयर ऑफ मास सप्लाइड पर केजी ऑफ फ्यूल, ओके, तो इसका फॉर्मूला है हमारा 1 प्लस एक्सेस एयर अपॉन 100 इंटू थ्योरेटिकल एयर, कितना है 1 प्लस एक्सेस एयर अपॉन 100 इंटू थ्योरेटिकल एयर। इसको हम वैल्यू पुट करेंगे तो इतना हो जाएगा हमारा 1 प्लस एक्सेस एयर कितना है हमारे पास 16.67, ठीक ना। तो उसको 100 से डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस 0.1667 इंटू थ्योरेटिकल एयर, कितना है हमारे पास 4.95। ओके, तो ये हमारा आ जाएगा 5.75 केजी पर केजी ऑफ फ्यूल, कितना जाएगा 5.75 केजी पर केजी ऑफ फ्यूल, ठीक ना। इसके बाद हम निकालेंगे मास ऑफ ड्राई फ्लू गैसेस, ठीक ना, क्या है मास ऑफ ड्राई फ्लू गैस निकालते हैं। इसका फॉर्मूला है मास ऑफ एक्चुअल एयर सप्लाइड प्लस वन, क्या है फॉर्मूला आपका, एक्चुअल एयर ऑफ मास, ओके, एक्चुअल एयर ऑफ मास सप्लाइड प्लस वन। तो एक्चुअल एयर ऑफ मास सप्लाइड कितना था, 5.75, तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो 5.75 प्लस वन ये हो जाएगा 6.75 केजी पर केजी ऑफ फ्यूल, ठीक ना। तो ये कितना जाएगा हमारा एक्चुअल एयर आपका मास ऑफ ड्राई फ्लू गैसेस कितना जाएगा 6.75। ओके, अब इसके बाद हम कैलकुलेट करेंगे जो हमने अभी पढ़े थे लॉसेस, कि कौन कौन से जो मेजर लॉसेस होते हैं उनका कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है ना। तो इसके बाद जो हमारा अगला होगा कैलकुलेशन वो होगा लॉसेस लॉस ड्यू टू ड्राई फ्लू गैस। तो इसका फॉर्मूला क्या है हमारे पास, एम इंटू सी पी पी एफ माइनस टी ए इंटू 100 अपॉन जी सी वी ऑफ फ्यूल, क्या है फॉर्मूला हमारे पास, एम सी पी टी एफ माइनस टी ए इंटू 100 अपॉन जी सी वी ऑफ फ्यूल। एम क्या है हमारे पास यहाँ पे 6.75, सी पी क्या है यहाँ पे 0.24, टी एफ क्या है यहाँ पे 140 माइनस टी ए क्या है एम्बिएंट टेम्परेचर 40 अपॉन जी सी बी ऑफ फ्यूल कितना हमारे पास 3400 इंटू 100, ठीक। तो उसको हम सॉल्व करेंगे तो ये कुछ आएगा आपका 6.75 इंटू 0.24 इंटू 100 इंटू 100, कितना गया हमारा लॉस ड्यू टू ड्राई फ्लू गैसेस
आपका 4.56 आ गया, ठीक ना। तो अगले लॉस कैलकुलेशन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, हीट लॉस ड्यू टू इवेपोरेशन ऑफ वाटर फॉर्म ड्यू टू H2 प्रेजेंट इन फ्यूल। ओके, तो देखते हैं इसका फॉर्मूला क्या है हमारे पास। 9 इंटू H2 584 प्लस CP एंड आपका TF माइनस TA ओके इंटू 100 अपॉन GCB of fuel। क्या है हमारे पास, हीट लॉस ड्यू टू इवेपोरेशन ऑफ वाटर फॉर्म ड्यू टू H2 प्रेजेंट इन फ्यूल। दैट मीन्स कि जो हमारा फ्यूल है, फ्यूल में जो कुछ भी H2 प्रेजेंट है वो ऑक्सीजन के साथ मिलके क्या बनाएगा, H2O। और फिर उस H2O को हमें फ्यूल से निकालने के लिए, उस फ्यूल से निकालने के लिए उसको क्या, वो हीट थोड़ी बहुत एब्जॉर्व करके वहाँ से इवेपोरेट होगा। तो इस लॉस को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसके लिए ये फॉर्मूला है हमारे पास। 9 H2 584 प्लस CP TF माइनस TA अपॉन GCB ऑफ फ्यूल। 584 किसकी वैल्यू है, ये आपका है लेटेंट हीट कोरस्पॉन्डिंग टू पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर वेपर, ठीक ना। क्या है, लेटेंट हीट कोरस्पॉन्डिंग टू पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर वेपर। सीपी मैं पहले ही बता चुका आपको क्या है, स्पेसिफिक हीट है सुपर हीटेड स्टीम का। ओके, तो वैल्यू पुट करते हैं इसमें, तो ये क्या हो जाएगा, 9 H2 कितना दिया हमारे पास, 2 584 प्लस CP कितना है 0.45, TF कितना था हमारे पास 140, TA कितना था 40 इंटू 100 अपॉन GCB कितने फ्यूल की हमारे पास 3400। ओके, तो ये हमने वैल्यू पुट कर दी, इसको हम सॉल्व करेंगे, वैल्यू आ जाएगी, वो आएगी आपकी 3.33%। ओके, तो हमने एक देखा जो हमारा ड्राई फ्लू गैस है उससे लॉस हमारा कितना हो रहा है 4.56, और जो हीट लॉस ड्यू टू इवेपोरेशन जो हमारे फ्यूल में हाइड्रोजन प्रेजेंट था उसके कारण जो हमारा हीट लॉस हुआ उसका हीट लॉस कितना हुआ, कितना परसेंट, 3.33%। तो लॉस हमारे पास क्या है, हीट लॉस ड्यू टू मॉइस्चर प्रेजेंट इन फ्यूल। दैट मीन्स कि जो हमारा फ्यूल है, फ्यूल में जो भी मॉइस्चर प्रेजेंट है उस मॉइस्चर को निकालने के लिए हमें कुछ ना कुछ हीट देना पड़ेगा, ठीक ना, तभी वो जो मॉइस्चर है वो उसका इवेपोरेशन होगा। तो उसमें हमारा कितना हीट लॉस हुआ उसको हम कैलकुलेट करेंगे, उसका फॉर्मूला होता है हमारे पास M584 प्लस CP TF माइनस TA इंटू 100 अपॉन GCB ऑफ फ्यूल। ओके, क्या है फॉर्मूला हमारे पास आपका, M 534 प्लस CP TF माइनस TA इंटू 100 अपॉन GCB ऑफ फ्यूल। M यहाँ पे क्या है, मॉइस्चर है, ठीक है ना, कि मास ऑफ ड्राई फ्लू गैस है, ठीक है। यहाँ पे M क्या है, मॉइस्चर प्रेजेंट इन फ्यूल है। तो हमारे पास मॉइस्चर कितना था 5, तो हम वैल्यू पुट करते हैं 584 प्लस 0.45 और TF कितना है हमारे पास 140 माइनस 40 ओके और GCB कितना है हमारे पास 3400 इंटू 100। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये कुछ आ जाएगा आपका 0.925%। कितना आ जाएगा हमारे पास, जो हमारा हीट लॉस ड्यू टू मॉइस्चर प्रेजेंट इन फ्यूल कितना हीट लॉस हुआ यहाँ पे हमारा 0.925। ओके, इसका हम कैलकुलेशन करेंगे, इसका फॉर्मूला है हमारे पास एक्चुअल मास ऑफ एयर सप्लाइड इनटू ह्यूमिडिटी रेशियो इनटू सीपी टीएफ माइनस टीए इनटू 100 अपॉन जीसीबी ऑफ फ्यूल। ओके, क्या है हमारे पास एक्चुअल मास ऑफ एयर सप्लाइड इनटू ह्यूमिडिटी रेशियो इनटू सीपी टीएफ माइनस टीए इनटू 100 अपॉन जीसीबी ऑफ फ्यूल। तो यहाँ पे हम देखते हैं एक्चुअल मास ऑफ एयर सप्लाइड कितना था हमारे पास, 5.75 इनटू ह्यूमिडिटी रेशियो कितनी थी हमारे पास 0.04, सीपी आपको पता ही है 0.45 एंड टीएफ दिया हुआ है हमारे पास 140, टीए दिया है हमारे पास 40 इनटू 100 अपॉन जीसीबी ऑफ फ्यूल भी दे रखा है कितना है 3400, ठीक। तो इसको हम सॉल्व करेंगे आपका 0.3%, कितना आ जाएगा 0.3%। तो जो हमारा कंबस्चन एयर में मॉइस्चर प्रेजेंट था उससे जो हमारा हीट लॉस हुआ वो बहुत ही कम हुआ, दैट मीन्स कि 0.3% हुआ, ठीक ना। अब अगले लॉस की तरफ बढ़ेंगे, आपका लॉस ड्यू टू अनबर्निंग गैस, लॉस ड्यू टू
कॉन्वर्ट इन एस। तो इसका फॉर्मूला है हमारे पास एस प्रेजेंट इन पर केजी ऑफ फ्यूल, एस प्रेजेंट इन पर केजी ऑफ फ्यूल इन टू जीसीवी ऑफ एस इन टू 100 अपॉन जीसीवी ऑफ फ्यूल। क्या है फॉर्मूला? एस प्रेजेंट इन पर केजी ऑफ फ्यूल, कितना मतलब पर जो हमारा फ्यूल है पर केजी फ्यूल में हमारा कितना एस निकल रहा है, इनटू जीसीबी ऑफ एस, एस का जो है जीसीबी कितना है, इनटू 100 अपॉन जीसीबी ऑफ फ्यूल, ठीक ना। तो हमारा देखते हैं यहाँ पे एस प्रेजेंट इन पर केजी ऑफ फ्यूल कितना दे रखा है यहाँ पे, हाँ 0.47 केजी, 0.47 इनटू जीसीबी ऑफ एस कितना है 200 अपॉन 3400 इनटू 100, ये आएगा हमारे पास 2.76%। ओके, तो जो हमारा जो एस में अनबर्न फ्यूल जा रहा था उसके कारण हमारा कितना लॉस हुआ 2.76% का। और जो हमारा लास्ट है वो होता है रेडिएशन एंड अनअकाउंटेड लॉसेस, ठीक ना, जिनको हम काउंट नहीं कर सकते हैं तो उनको हम 1% कंसिडर कर लेते हैं, कितना 1%, ठीक ना। तो अभी हम देखेंगे कि हमने सारा कैलकुलेशन लॉस का कैलकुलेशन कर लिया, ठीक ना, कि किस लॉस में हमारा कितना परसेंट का हीट लॉस हुआ है, ठीक ना, दैट मीन्स कि किस कंडीशन में, लाइक आपका ड्राई फ्लू गैसेस में हमारा कितना परसेंट का लॉस हुआ, अनबर्न जो आ रहा था एस में, अनबर्न पार्टिकल्स आ रहे थे जो एस में, उसमें हमारा कितना परसेंट का हीट लॉस हुआ है, अभी टोटल करके देखेंगे हमारी बॉयलर एफिशिएंसी कितनी आई है। ओके, उसके बाद जो हमारा फॉर्मूला लगता है वो जैसे कि आपने सारे लॉसेस का कैलकुलेशन कर लिया, उसके बाद आपको क्या करना है, बॉयलर एफिशिएंसी इज इक्वल टू 100 माइनस ऑल लॉसेस, ठीक ना, ऑल लॉसेस। तो हम करेंगे इसको 100 माइनस ऑल लॉसेस कितना हमारे पास, उसको लिखते हैं हम 4.56 प्लस 3.33 प्लस 0.925 प्लस 0.3 प्लस 2.76 प्लस 1। ओके, ये यहाँ पे माइनस होगा आपका, तो हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा आपका 100 माइनस 13, तो दैट मीन्स कि 87% लॉस होगा हमारा, मतलब सॉरी 87% हमारी बॉलर की एफिशिएंसी आएगी, ठीक ना, कितनी आएगी हमारे बॉलर की एफिशिएंसी 87%। ओके, तो देखिए इस जो हमारा इनडायरेक्ट मेथड का लॉस, इनडायरेक्ट मेथड का कैलकुलेशन होता है, इसमें हमारे एक बेनिफिट होता है कि देखिए यहाँ से हमें ये पता चल गया कि सबसे ज्यादा जो लॉस हो रहा था हमारा कहाँ 4.56% किसमें हो रहा था हमारा, लॉस ड्यू टू ड्राई फ्लू गैसेस, ठीक ना, और जो सबसे कम लॉस हो रहा था ये L4, ये कौन सा था, लॉस ड्यू टू मॉइस्चर प्रेजेंट इन कंबस्शन एयर, ठीक ना, तो सबसे ज्यादा किसमें हो रहा था आपका जो ड्राई फ्लू गैसेस से लॉस हो रहा था, और सबसे कम किसमें हो रहा था आपका जो मॉइस्चर प्रेजेंट इन कंबस्शन एयर में, उसके कारण जो लॉस हुआ वो सबसे कम हुआ। तो इससे हम ये पता कर पाते हैं कि किस कंडीशन में, किस सिचुएशन में और बॉयलर में कहाँ पे कितना लॉस हो रहा है, जबकि अब डायरेक्ट मेथड से निकालेंगे तो वो तो इजी होता है, ठीक ना, बट अब ये नहीं एज्यूम कर पाएंगे, ये नहीं कैलकुलेशन कर पाएंगे, जैसे मान लीजिए आपका यहाँ पे 87% एफिशिएंसी आई, ठीक ना, तो आप यहाँ से 87% एफिशिएंसी आई है तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि भाई कहाँ पे हमारा कितना लॉस हुआ है, ठीक ना, उसको कैसे हम ओवरकम करना है। बट डायरेक्ट मेथड में आपको एफिशिएंसी तो मिल जाएगी, लेकिन ये नहीं पता चलेगा कि आपको कहाँ पे कितना लॉस हुआ है, कैसे उसको ओवरकम करना है, ठीक, क्योंकि आपको पता ही नहीं रहेगा डायरेक्ट मेथड में कि कहाँ पे हमारा कितना लॉस हुआ है, सबसे ज़्यादा लॉस किस कंडीशन में हो रहा है। बट इसमें ये फायदा है कि ये हमारा पता चल जाता है कि कहाँ पे सबसे ज़्यादा लॉस हुआ है। ओके, तो इसका जो सबसे बड़ा एडवांटेज वो यही है कि इसमें हमें पता चल जाता है कि कहाँ पे कितना लॉस हुआ है। ओके, तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा, वीडियो कैसा लगा जरूर बताएं, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर इसमें आपको कुछ समझ में नहीं हो तो कमेंट करके जरूर पूछिए।